हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, पशुपति व्रत भगवान शिव जी को समर्पित एक पवित्र व्रत है, जिन्हें भोले शंकर के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो जीवन में कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और वे इसका समाधान खोजने या अपनी कठिनाइयों को दूसरों के साथ साझा करने में असमर्थ हैं। माना जाता है कि यह व्रत उनकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है और भगवान शिव से आशीर्वाद दिलाता है, जिन्हें विनाश और सृजन का देवता माना जाता है, जो जीवन के चक्र का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पशुपत व्रत के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इस व्रत को हमें कैसे शुरू करना चाहिए, इस व्रत को करने के क्या नियम हैं, पशुपति व्रत का उद्यापन कैसे करें, व्रत की कथा क्या है, इस व्रत में हम किन किन नियमों का पालन करें और पशुपत व्रत का क्या महत्व है, साथ ही ये व्रत क्यों किया जाता है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं पशुपति व्रत हमें कब करना चाहिए। दोस्तों, पशुपति व्रत सोमवार को रखा जाता है, जो भगवान शिव के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। सोमवार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और कई भक्तगण भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन व्रत रखते हैं और अनुष्ठान करते हैं। दोस्तों, इस व्रत को पालन करने की अवधि क्या है और हमें कितने सोमवार तक ये व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, पशुपति व्रत को किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में किया जा सकता है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि इस व्रत को करने के लिए सोमवार का दिन होना चाहिए। यदि मन के मुताबिक फल पाना चाहते हैं तो इस व्रत को विधि विधान के साथ संपन्न करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक इस व्रत को पूरे 5 सोमवार करना चाहिए, तभी इस व्रत का फल मिलता है। दोस्तों, इस व्रत को कैसे करें, क्या है पशुपति व्रत को करने के नियम। हर व्रत की तरह इस व्रत के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे सुबह महादेव के मंदिर में जाएं, उन्हें बेलपत्र और पंचामृत चढ़ाएं, शाम के समय महादेव को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा बनाएं और उसके 3 हिस्से कर लें। फिर उसमें से एक हिस्सा अपने लिए निकाल लें और बाकी 2 हिस्सों को महादेव को अर्पित करके अपनी मनोकामना को व्यक्त करें। शाम को मंदिर जाते समय भोग के साथ 6 दीपक भी लेकर के जाएं। उनमें से 5 दीपक महादेव के सामने जला कर रख दें और बचे हुए 1 दीपक को वापस घर ले आएं। इस दिए को घर में प्रवेश द्वार के पहले दाहिने साइड पर रखें और घर के अंदर प्रवेश कर जाएं। व्रत को खोलते समय उस प्रसाद के 1 हिस्से को ग्रहण कर लें। दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि पशुपति व्रत हमें कैसे करना चाहिए, क्या है इसके नियम। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत का हम उद्यापन कैसे करें, अर्थात 5 सोमवार तक इस व्रत को करने के बाद इसका उद्यापन कैसे करें। दोस्तों, इस व्रत को निरंतर 5 सोमवार तक किया जाता है और इसके बाद इसका उद्यापन करते हैं। 4 सोमवार के बाद 5वें सोमवार को पूजा के बाद अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए महादेव को 1 नारियल चढ़ा दें। हो सके तो भगवान शिव को 108 बेलपत्र या फिर अक्षत भी चढ़ाएं। 6वें सोमवार तक आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। महादेव के इन प्रिय मंत्रों का जाप भी करें साथ में। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पते नमः, ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये, माम वेदा प्रयच्छ स्वाहा। इस व्रत में भक्त पशुपति व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने, जिसमें व्रत के महत्व और चमत्कारी लाभों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, पूरे उपवास की अवधि के दौरान भक्ति और समर्पण बनाए रखना है। गपशप, क्रोध और नकारात्मक विचारों से हम दूर रहें। इस समय का उपयोग आत्मनिरीक्षण के लिए करें और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में भगवान शिव का मार्गदर्शन प्राप्त करें। अगर हो सके तो दूसरों की सेवा करें और दया और करुणा बढ़ाने के लिए धर्मार्थ गतिविधियों पर संलग्न रहें। दोस्तों, सोमवार के दिन पशुपति व्रत रखने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार वह दिन है जब भगवान शिव विशेष रूप से अपने भक्तों की प्रार्थना और प्रसाद को स्वीकार करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो पूरे जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए शक्ति, साहस और बुद्धि प्रदान करता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि पशुपति व्रत का क्या महत्व है।
पशुपति व्रत केवल एक अनुष्ठानिक व्रत नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। इस व्रत को करके भक्त मानसिक शांति पाने, चुनौतियों से उबरने और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगते हैं। यह व्रत ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को अभिव्यक्त करता है, जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि सभी चुनौतियों और समाधान ईश्वर के हाथों में है। जो कुछ होता है वो ईश्वर के आशीर्वाद से ही होता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं पशुपति व्रत की पौराणिक कथा क्या है। पशुपति व्रत के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक लोकप्रिय कथा सुधर्मा नाम के एक गरीब ब्राह्मण के इर्द गिर्द घूमती है। भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति के साथ पशुपति व्रत शुरू किया। परिणाम स्वरूप उन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनका जीवन एक सकारात्मक मोड़ लेकर समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। इस चमत्कारी प्रभाव से प्रेरित होकर अन्य लोगों ने पशुपति व्रत का पालन शुरू कर दिया, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। दोस्तों, भक्त इस विश्वास के साथ पशुपति व्रत करते हैं कि ये उनकी इच्छाओं को पूरा करेगा। हालांकि ये याद रखना आवश्यक है कि प्रार्थना और उपवास केवल भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होना नहीं चाहिए। इसके बजाय व्रत आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की तलाश में परमात्मा के साथ संबंध को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, उपवास और प्रार्थना के अलावा भक्त पशुपति व्रत के दौरान अतिरिक्त भक्ति अभ्यास में भी संलग्न हो सकते हैं, अर्थात प्रार्थना के अलावा और भी भक्ति के कार्यक्रम कर सकते हैं। इनमें भगवान शिव को समर्पित भजन और ग्रंथ पढ़ना, रुद्राभिषेक करना और भजन और कीर्तन करना शामिल हो सकता है। पशुपति व्रत एक श्रद्धेय व्रत है, जो कि भक्तों के द्वारा भगवान शिव से अपनी समस्याओं के समाधान और दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। ये चुनौतियों का सामना करने में अटूट विश्वास, धैर्य और दृढ़ता का विकसित करने का एक अवसर है। इस व्रत के माध्यम से भक्त अपनी चिंताओं को त्यागना सीखते हैं और भरोसा करते हैं कि परमात्मा उन्हें सही रास्ते पर मार्गदर्शन करेंगे। किसी भी व्रत या धार्मिक अभ्यास का सार उस ईमानदारी और भक्ति में निहित होता है, जिसके साथ इसे किया जाता है। तो व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते समय सभी प्राणियों की भलाई और शांति की तलाश करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। खुले दिल और शुद्ध इरादों के साथ पशुपति व्रत का पालन करके भक्त आंतरिक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से सांत्वना पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी पशुपति व्रत के विषय में कि इसे हमें कैसे करना चाहिए, इस व्रत को करने के क्या नियम हैं, किस विधि से उद्यापन करना चाहिए, इस व्रत का क्या महत्व है, क्या इस व्रत की कथा है और किस लिए ये व्रत किया जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।